अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स की सब्जेक्टिव सीरीज में आज हमारे पास टॉपिक है गॉसेस लॉ। तो क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ। स्टेटमेंट इसकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε₀ टाइम द टोटल चार्ज इंक्लोजिंग है। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो इसका इंतहाई इजी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म एंड प्रूफ। ओनली 3 ही हेडिंग इसकी बनेगी, लेकिन अलॉन्ग विद डैट आप इसकी फिगर जो है वो मस्त बनानी है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, 5 = 1/ε₀ इंटू क्यू। प्रूफ इसका क्या है कि आपने कोई भी सरफेस लेनी है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, और उसके ऊपर टोटल चार्ज को आपने फाइंड करना है। उससे पहले आपने क्या करना है कि छोटे छोटे पैचेस को चार्जेस में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि Q1 अलग ले लेना है, Q2, Q3 अप टू Qn तक। तो फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 तो 5 1 हो जाएगा, फ्लक्स टू सेकंड पॉइंट चार्ज Q2 हो जाएगा, इसी तरह थर्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, इसी तरह nth पॉइंट चार्ज की वजह से, वो भी एप्सिलॉन जो आपके पास 5 है, 5 = Q1 और एप्सिलॉन₀, 5 = Q2 और एप्सिलॉन₀, इसी तरह से आपने 5n तक लिख लेना है। अब आपने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स होल्ड बी इक्वल टू 5 1 + 5 2 + 5 3 और अप टू 5n। यहाँ पर आपने 5 1 की भी वैल्यू पुट कर दी है, 5 2 की भी पुट की है, 5 3 की भी पुट की है, अब अप टू 5n तक पुट की है। 1/ε₀ जो है वो आपके पास कॉमन है, आप इसे कॉमन ले लेंगे, इनटू Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn तक हो जाएगा। तो Q1 + Q2 अप टू Qn क्या है? ऑफ कोर्स दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल Q। ये आपके पास बन जाएगा कैपिटल Q/ε₀, यानी कि आपका जो गॉसेस लॉ है वो प्रूफ हो जाएगा। आगे आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गॉसियन सरफेस। यू हैव टू कंसीडर द गॉसियन सरफेस ऑन द एनी सरफेस, जिस भी शेप पर, जिस भी बॉडी पर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आप उसके लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस। अच्छा, एक और चीज की गॉसियन लॉ से आप क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो चीजें आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे कि एक इमेजिनरी सरफेस होती है, इसके डेफिनेशन गिवन है, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। स्टेप टू इसके क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। आपने सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, और स्टेप थ्री क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द गॉसियन लॉ। कैसे? 5 = Q/ε₀ है, और सेकेंडली 5 = E. ए है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप एट द एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपके पास आती है वो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट शीट ऑफ अ चार्ज। इनफाइनाइट शीट आपके पास 2 डायमेंशनल है, सबसे पहले इसको देख लें, तो 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट शीट। कंसीडर इनफाइनाइट शीट ऑन व्हिच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, वही 3 स्टेप कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर आपने कंसीडर किया है, ठीक है, पासिंग थ्रू द शीट हैविंग एरिया ए एंड सिग्मा इन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपके पास क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है मैंने आपको बताया, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसी गॉसियन सरफेस के ऊपर आप चार्ज को फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3 सरफेस बनेगी, एक फ्लैट सरफेस, ठीक है, एक कर्व सरफेस इस साइड पर, और एक दूसरी साइड पर सरफेस बनेगी। यानी कि ये जो सरफेस है आपके पास, यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, राइट पर, यहाँ पर लेफ्ट पर फ्लैट सरफेस, और दरमियान में जो है वो कर्व सरफेस है। तो आपकी फ्लक्स थ्रू द राइट फ्लैट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, यानी कि जो आपके पास सेंटर में है, जो आपके पास जहाँ पर है इस साइड पर जो है लेफ्ट पर, और यहाँ पर राइट पर, यहाँ पर E.A आपके पास बनेगा। बट जो सेंटर वाली सरफेस है जिसे आप कर्व सरफेस कह रहे हैं, नो फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया जो है वो आपके पास क्या है, इन पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल होंगे, कैसे पैरेलल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एरिया इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर एरिया आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। एंगल जब 0 होगा तो आपके पास E.A क्या हो जाएगा, आपके पास ये E.A को बनाएंगे E, E a cos थीटा, और जब एंगल 0 है यहाँ पर आपके पास
ई ए का 0 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 5 इक्वल टू 2 ई ए। यहाँ तक तो आपने फाइंड कर लिया बाय फिगर। अब आप क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ क्या है, 5 ई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर। इसको आप स्मॉल क्यूब भी ले सकते हैं, कैपिटल क्यूब भी ले सकते हैं। अब आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यू विल गेट द 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। क्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, सिग्मा ए, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर लिखा था। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ द क्यू आप क्या करेंगे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट जो सिग्मा ए, यहाँ से ए ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, एंड यू विल गेट द ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन हो गई है। स्टिल वी हैव लेफ्ट 2 एप्लीकेशंस, हम उनको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दे, ताकि आपको फर्दर वीडियोज जो है वो उसकी मिलती रहे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।